हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ आशीष और आज हम बात करेंगे M2 Mac Mini के बारे में। अब 2020 में एप्पल ने जो M1 चिप इंट्रोड्यूस की थी तो 3 प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्च किया था, Mac Mini, MacBook Air एंड 13 इंच MacBook Pro के साथ। तो जो इनके प्राइसिंग थे वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे और इन तीनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप था जो कि आपके डिसीजन को चेंज कर सकता था डिपेंडिंग कि आपका वर्कफ्लो कैसा है या आपका बजट कितना है। तो Mac Mini M1 लॉन्च हुआ था 65,000 के प्राइस पॉइंट पे और MacBook Air M1 लॉन्च हुआ था 93,000 के प्राइस पॉइंट पे और Pro 13 इंच जो था वो करीब 1,20,000 के आसपास था। इस बार M2 जब लॉन्च हो रहा था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार भी एप्पल जो है वो तीनों प्रोडक्ट्स को अपना चेंज करेगा और मे बी M1 को डिसकंटिन्यू कर दे, बट यहाँ पर थोड़ा सा एप्पल ने मार्केटिंग ट्रिक खेली और उसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली एप्पल ने किया क्या और ऐसा क्यों किया और अगर M2 Mac Mini लॉन्च करता तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता उनके अदर प्रोडक्ट्स पे, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एयर को हटाते हैं क्योंकि एयर में काफ़ी कुछ चेंजेस थे। इस बार एयर उन्होंने ना बिल्कुल ही डिज़ाइन चेंज कर दिया M2 के साथ, जिसमें आपको नई डिस्प्ले दे दी, बेटर वेबकैम दे दिया, न्यू डिज़ाइन दे दिया, मैगसेफ चार्जिंग दे दी, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जिसकी वजह से उनको प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ा। बट उसी के साथ अगर आपने नोट किया हो कि जो M1 MacBook Air था लास्ट ईयर वाला, वो अभी भी उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। अब कंटिन्यू रखने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक खेल दी एप्पल ने कि उसका ना प्राइस पॉइंट बढ़ा दिया। इसको कहते हैं डिकॉय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसको एक सिंपल से सॉल्यूशन से अगर समझें कि लेट्स से अगर आप एक मूवी थिएटर जाते हैं और आपको पॉपकॉर्न खरीदने हैं तो वहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, लेट्स से स्मॉल एंड लार्ज, और स्मॉल वाले की जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है, लार्जर वाले का जो है 70 रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली मतलब 10 में से 9 लोग जो है वो स्मॉल वाला परचेज करेंगे कि यार 30 रुपये में मिल रहा है, 70 रुपये क्यों खर्च करना पॉपकॉर्न के ऊपर। बट डिकॉय मार्केटिंग इफेक्ट में क्या होता है, वो लोग एक बीच में इंसर्ट कर देते हैं आपके डिसीजन को चेंज करने के लिए। तो लेट्स से उन्होंने मीडियम वाला भी इंट्रोड्यूस कर दिया और मीडियम का प्राइस रख दिया 60 रुपीज़। तो अगर आप जाएंगे परचेज करने तो आपको स्मॉल से मीडियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई 30 to 60 है, बट अगर आप 60 तक आ जाएंगे ना तो आप साइकोलॉजिकली 70 की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि फिर आपको ये लगेगा कि यार जो डिफरेंस है मीडियम टू लार्ज वो तो सिर्फ 10 रुपये का ही है, मैं मीडियम क्यों खरीदूँ, लेट्स बाय द लार्जर वन। तो ये इफ़ेक्ट जो है एप्पल ने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर एप्पल M1 चिप वाला एयर जो है उसको 93,000 में ही सेल कर रहा होता और उसी के साथ M2 वाला ये इंट्रोड्यूस अभी जो किया 1,20,000 का, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो करीब करीब 28-30,000 रुपये के आसपास हो रहा था, जो कि आपके डिसीजन को डेफिनेटली चेंज कर देता। तो अगर आप एक नया M1 खरीदने जा रहे होते तो आप M2 की तरफ डेफिनेटली नहीं देखते। बट अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई है, अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो कीमत है वो करीब 1,00,000 रुपये कर दी है। तो 1,00,000 से 1,20,000 में सिर्फ 20,000 का डिफरेंस हो गया, बट उस 20,000 में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, न्यू डिस्प्ले, बेटर कैमरा, बेटर डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन, मैगसेफ और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बेटर स्पीकर सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें उसने सिर्फ 20,000 के प्राइस पॉइंट में कर दी, जबकि अगर ये M1 अगर ये 90,000 में अभी भी सेल कर रहे होते और 30,000 का डिफरेंस होता तो उनकी M2 वाली जो लाइनअप है MacBook Air की उसकी सेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती, क्योंकि इन दोनों में परफॉर्मेंस के हिसाब से मतलब बहुत मेजर जंप नहीं है। अब मतलब ऑब्वियसली 15-20% का इम्प्रूवमेंट है, बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए मैं अभी भी मानता हूँ कि M1 जो है वो सफिशियंट है, बट यहाँ पे एप्पल ने उसका ऑफकोर्स प्राइस बढ़ाया। अब हम आते हैं Mac Mini की तरफ। तो Mac Mini जो है वो 65,000 के प्राइस पॉइंट पर आज भी मिल रहा है M1 वाला, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गजब की मशीन है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं M1 वाला एयर ले लूँ, M2 वाला एयर ले लूँ, तो भाई अगर आपको लैपटॉप की ही नीड है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट अगर आपके पास घर में एक आपकी डिस्प्ले है, कीबोर्ड माउस आप उसमें अटैच करके काम कर सकते हो, तो ये जो Mac Mini है ना ये बेटर परफॉर्मेंस देता है आपको M1 एयर के कंपैरिजन में। इसमें आपको 8 कोर का डेडिकेटेड GPU मिल जाता है, एक्टिव कूलिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि MacBook Air M1 में मिसिंग है। तो आपके हैवी वर्कलोड में ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है और बहुत सस्ता भी मिल जाता है आपको। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर एप्पल ने M2 Mac Mini लॉन्च ही क्यों नहीं किया। अब जो मैंने अभी आपको डिकॉय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई थी वो कभी कभी ना नेगेटिव भी पड़ जाती है। सेम यही रीज़न हुआ एप्पल के साथ भी, अगर वो अपना M2 Mac Mini लॉन्च कर देते, लेट्स से अगर वो 15% या 20% प्राइस इंक्रीज़ भी होता, तो ये अभी 65 का मिल रहा है M1 वाला, वो हमको मिलता है एटलीस्ट 75 to 80,000 के बीच में। अब 80,000 के प्राइस पॉइंट पर आपको M2 अगर मिल जाता तो वो आपके 2-3 प्रोडक्ट की सेल तो बिल्कुल ख़त्म कर देता।
जो कि है M1 MacBook Air वाली, जो कि 1 लाख का मिल रहा है। कोई भी बंदा उसको क्यों परचेस करेगा जब उसको M2 वाली चिप एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में अच्छे से सस्ते में मिल रही है, 80,000 के आसपास मिल रही है, तो बंदा ऑब्वियसली अपने 20,000 बचाएगा और M2 वाला मैक मिनी खरीद लेगा। दूसरी चीज, जो M1 वाला एग्जिस्टिंग इनका मैक मिनी है उसकी सेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। आप 65,000 का बजट लेके गए तो ऑब्वियसली 10-15,000 तो एक्सपेंड कर ही देंगे, क्योंकि आपको एक नेक्स्ट जनरेशन की चिप मिल जाती है और 2 साल पुरानी में आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तीसरे डिवाइस का इफेक्ट होती है इनका M2 Air वाला, जो कि 1,20,000 का है, और इन दोनों के प्राइस डिफरेंस जो है M2 Mac Mini अगर होता तो इनका प्राइस डिफरेंस कम से कम 40,000 से 45,000 के आसपास हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एप्पल ने इंटेंशनली जो है मैक मिनी M2 लॉन्च किया ही नहीं, और जब तक कि इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर सेल आउट नहीं हो जाते, क्योंकि ये भी काफ़ी प्रोडक्शन हो चुका है, तो एप्पल को ये भी बेचना है, प्लस उनको मैकबुक एयर भी बेचना है, जो M1 वाला था वो भी बेचना है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी जल्दी M2 मैक मिनी आने वाला भी नहीं है। होपफुली ये लोग M2 प्रो अल्ट्रा और इसके साथ इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस साल के एंड में या मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर, बट अभी तो मेरे को कोई भी इसमें ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि ये आने वाला है। और रीज़न बड़ा सिंपल है कि इनकी लाइनअप जो है पूरी बिगड़ जाती है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 65 है, वो 85 होता, 1 लाख का ये होता और 1,20,000 का नया वाला मैकबुक एयर होता, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 20,000 का रह जाता, तो वहाँ पे जो स्ट्रेटजी है वो उनको उल्टी पड़ जाती, और इस वजह से उन्होंने इंटेंशनली इसको पुश कर लिया बैक और इसको लॉन्च ही नहीं किया, क्योंकि लॉन्च करने में ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास ऑलरेडी डिज़ाइन थी, सब कुछ था, सिर्फ उनको एक चिप चेंज करनी थी, जैसा कि उन्होंने मैकबुक प्रो 13 इंच के साथ किया है। तो ये था वन एंड ओनली रीज़न जो मुझे लगता है कि एप्पल ने इस वजह से इंट्रोड्यूस नहीं किया इसको। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे थॉट्स कैसे लगे, मेरे को जरूर कमेंट करके बताएं। और M1 MacBook Air और मिनी का कंपैरिजन भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स मेरे से पूछते हैं कि यार मैं एडिटिंग के लिए मेरे को एक मशीन चाहिए बट मेरा बजट कम है, तो आप इसकी तरफ भी डेफिनेटली जा सकते हैं, बहुत अच्छी मशीन है, और अगर आप इजीली मॉनिटर वगैरह में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 8-10 हज़ार रुपये में आजकल इजीली मिल जाते हैं मॉनिटर्स वगैरह, 1080p मॉनिटर वगैरह, तो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, आप अगर कम बजट में ढूंढ रहे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन भी बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वरना आप मिस कर देंगे। और ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तो बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।